गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं GSTR 1 टेबल 4 और सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। जैसे ही मैं इस सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज के चेकबॉक्स को क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली एक चेकबॉक्स और इनेबल हो जाता है। वो क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड अट्रैक्टिंग IGST। ये कैसे पॉसिबल है? किस पॉइंट का हम आज डिस्कशन करेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो सप्लाई तो इंट्रा स्टेट है बट हमें IGST पे करना होता है, एंड दैट टू बी अंडर रिवर्स चार्ज, नॉट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। इस पॉइंट का हम डिटेल में पहले एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये ऐसा कौन सा सिचुएशन है। ट्रांजेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई या फिर इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट में डिफाइंड है और इंट्रा सेक्शन 8 में डिफाइंड है। अगर ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कौन सा टैक्स पे करना होगा? CGST एंड SGST या CGST एंड UTGST। अगर ट्रांजेक्शन इंटर है तो IGST पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंपोर्ट किया है तो वो ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस, यू नीड टू पे द IGST। सिमिलरली, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो आप टैक्स पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज। वो कौन सा टैक्स पे करेंगे? आप पे करेंगे IGST। अब बात कर लेते हैं इंट्रा की। अगर विद इन दैट स्टेट है कोई ट्रांजेक्शन, जहां पे हम क्या देखते हैं विद इन दैट स्टेट, सप्लायर का लोकेशन एंड उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो विद इन दैट सेम स्टेट है तो इंट्रा। जब ये मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो मुझे एक रिप्लाई आता है कि सर विद इन दैट स्टेट अगर आपने SEZ का कोई ट्रांजेक्शन किया, सप्लाई टू SEZ और सप्लाई बाई SEZ यूनिट और डेवलपर, तो वो विद इन दैट स्टेट है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है पर IGST पे करना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में करेक्शन करना चाहूंगा कि वो ट्रांजेक्शन विद इन दैट स्टेट है पर इंट्रा नहीं है, वो इंटर है। रीजन, अगर आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी को देखेंगे तो वो ये कहता है कि अगर आप टू एंड बाई, सप्लाई टू और सप्लाई बाई SEZ यूनिट और डेवलपर, तो वो ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है। फर्दर, अगर आप सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो को देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है तीन सिचुएशन ऐसी है जो विद इन दैट स्टेट होते हुए भी वो ट्रांजेक्शन इंट्रा नहीं होगा, मतलब वो सप्लाई इंटर होगी, जिसमें से एक SEZ यूनिट का ट्रांजेक्शन है। कहने का मतलब, अगर मैं सपोज मैं यूपी में लखनऊ में रजिस्टर्ड हूं और अगर मैं नोएडा, बोथ आर इन यूपी, नोएडा SEZ यूनिट को सप्लाई करता हूं, तो ये ट्रांजेक्शन क्या है? सर, ये ट्रांजेक्शन इटसेल्फ इंटर स्टेट है एंड बिकॉज इट इज इंटर IGST चार्ज होगा। अगेन, ये इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। अगेन, इस पॉइंट का आंसर नहीं है कि ये इंट्रा था बट IGST नहीं। सर, ये सप्लाई इंटरस्टेट है। आई होप इट्स क्लियर। एक और पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि चाहे ट्रांजेक्शन में टैक्स सप्लायर पे करे अंडर फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, या रिसीपिएंट पे करे अंडर रिवर्स चार्ज, अगेन उस केस में भी, रिवर्स चार्ज के केस में भी, ट्रांजेक्शन का डिटर्मिनेशन होगा कि वो इंटर है या इंट्रा। और डिटर्मिनेशन के लिए हमें सेक्शन 7 ऑफ IGST या सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट की हेल्प लेनी है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। सो नाउ द पॉइंट कम कि अगर इंटर है तो आप रिवर्स चार्ज में IGST पे करोगे, और अगर इंट्रा है तो आप रिवर्स चार्ज में C+S पे करोगे। नॉर्मली, अगेन, मैंने ये कंफ्यूजन देखा है कि RCM के केस में भी
लोग हमेशा बोलते हैं कि इट विल ऑलवेज बी इंट्रा सी प्लस एस नीड टू बी पेड. आंसर इज नो. आपका ट्रांजेक्शन का लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा. एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सप्लायर जीटीए है, मान लीजिए सप्लायर ट्रांसपोर्टर है और आप रिसीपिएंट है क्योंकि आप फ्रेट का पेमेंट कर रहे हैं. मिस्टर ए, जो गुड्स आ रहा है मान लो सूरत से आ रहा है और ये माल आप दिल्ली में हैं, एंड यू हैव टेकन द सर्विस ऑफ द जीटीए हु इज लोकेटेड एट सूरत इटसेल्फ. जब आप टैक्स पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज, तो ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है. आप जो आरसीएम पे करेंगे वो कौन सा पे करेंगे? आईजीएसटी पे करेंगे, बिकॉज जो जीटीए का लोकेशन है वो सूरत है, गुजरात है, और आपका लोकेशन जो कि रिसीपिएंट है, आपका लोकेशन क्या है? दिल्ली. दो अलग अलग स्टेट में है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई योर लोकेशन एंड सप्लायर का लोकेशन सूरत, देयरफॉर आईजीएसटी नीड टू बी पेड. So, ये बात तो क्लियर हो गई. अगर ट्रांजेक्शन इंटर है तो आईजीएसटी, इंट्रा है तो सी प्लस एस. तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो ये कैसे पॉसिबल है कि ट्रांजेक्शन इंट्रा है बट फिर भी आईजीएसटी? इसका आंसर मैं आपको एक सर्कुलर अभी डिस्कस करूंगा, उसके माध्यम से देना चाहूंगा मैं. सर्कुलर जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं वो सर्कुलर 93 है. 8 मार्च 2019 को ये सर्कुलर आया था. ये सर्कुलर क्या कहता है कि नेचर ऑफ द सप्लाई, कि ट्रांजेक्शन इंटर है या इंट्रा फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट. अब ये आपको मालूम होगा, अगर मैं डोमेस्टिक आरसीएम की बात करता हूं तो डोमेस्टिक आरसीएम में एक ट्रांजेक्शन, एक प्रोविजन 9 सबसेक्शन 3 में है और एक प्रोविजन 9 सबसेक्शन 4 में है. एज ऑफ नाउ मैं 93 की बात कर रहा हूं. 93 में भी ट्रांजेक्शन गुड्स का हो सकता है या सर्विस का भी हो सकता है. अब अगर गुड्स में बात करूं, कई ट्रांजेक्शन है जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल है, लाइक कैश्यू नट्स, बीडी रैपर, टेंडू लीव, टॉबेको लीव, सिल्क यार्न, लॉटरी, कॉन्फिस्केटेड गुड्स बाय द गवर्नमेंट, एंड लास्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और रिसीपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए. इस सर्कुलर 93 ने कहा है अगर वो ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट भी है, दोनों सप्लायर एंड रिसीपिएंट इवन दो सेम स्टेट में है, प्लेस ऑफ द सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर सेम स्टेट में है, तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ट्रांजेक्शन इंट्रा है, बट टैक्स कौन सा पे करना है आपको? आईजीएसटी. सो देयरफॉर आई कैन से this is the exception, this is the exception of the that point ki intra hai but fir bhi main c plus s nahi pay karunga. Let's read together. In this regards it is stated that circular 62 dated 12th of september was issued clarifying the gst on the pslc priority sector lending certificate for the period 1st July 2017 to 27 May 2018 will be paid by the seller bank under forward charge basis and the rate would be 12%. Further, the notification number 11 dated 28 May 2018 was issued leaving the GST on the PSLC trading on reverse charge basis from 28 May 2018. 28 May se ye jo transaction hai वो रिवर्स चार्ज में क्लासिफाई होगा और टैक्सेबल होगा. टैक्स विल बी पेड बाय द रिसीपिएंट. इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट नेचर ऑफ द सप्लाई ऑफ पीएसएलसी बिटवीन बैंक्स मे बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ द गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स. Accordingly, IGST shall be payable on the supply of PSLC traded over e-Kuber portal of the Reserve Bank of India for both period, that is pre-RCM, is period mein forward charge tha, aur yahan se aapka reverse charge applicable ho gaya. But unhone ek chota sa relaxation diya, jahan pe bank liable the GST pay karne ke liye and already paid C plus S or C plus UT GST.
क्योंकि इंट्रा ट्रांजेक्शन है तो ऑब्वियसली सी प्लस एस ही पे होगा. एज द केस में बी सच बैंक फॉर द पेमेंट ऑलरेडी मेड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द आईजीएसटी टुवर्ड द सच सप्लाई अगेन. सो दैट वॉज द रिलैक्सेशन. बट मैं ये कह सकता हूं 28 मई ऑनवर्ड क्या होगा. 28 मई ऑनवर्ड अगर रिसिपियंट सेम स्टेट में है, अगर रिसिपियंट सेम स्टेट में है तब भी ट्रांजेक्शन के ऊपर कौन सा टैक्स जाएगा, आईजीएसटी. आई होप इट इज क्लियर. मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंफ्यूजन रहता है कि ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया. अगर आपके कोई डाउट है तो रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट सेक्शन में दीजिए. वी विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. थैंक यू सो मच.